नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शराब नीति मामले पर दिल्ली में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं की जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अब कहा है कि बीजेपी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने सरासर फेल कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो शिंदे के साथ मिलकर किया, उसी कार्य को सिसोदिया के साथ करने की कोशिश की गई, जिसे सिसोदिया ने फेल कर दिया। इस षड्यंत्र में जीत ना मिलने पर अब पूरी पार्टी रो रही है। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों में चली इस चाल को दिल्ली में आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इनका ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया। उन्होंने बीजेपी को सीधा संदेश देते हुए कहा कि जितनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो कर लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। कर्नाटक में तो खरीद फरोख्त करके मंत्री पद बना के प्रयोग सफल हो गया था। गोवा में तो सरकार बनाने का तोड़ने का प्रयोग सफल हो गया था। मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था। हेमंत विश्व शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था। अरे ईडी की जांच मुकुल राय पर कराकर उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तुम्हें जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि यह आम आदमी पार्टी है, यह आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति शराब नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो, जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार में अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति में तय मानकों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने 25 अक्टूबर 2021 को नोटिस के जरिए सवाल पूछे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता न केवल भ्रम फैला रहे हैं बल्कि झूठ भी बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि शराब नीति में मैन्युफैक्चरर भी यही है, रिटेल भी यही है और डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति पर जवाब भी मांगा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि अब आम आदमी पार्टी ना तो ईमानदारी और ना ही बिरादरी बल्कि आबकारी नीति में हुई गड़बड़ी पर जवाब दे। वही कंपनी उत्पादक है और वही शेयर होल्डर है। मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है,
यह एक तथ्य है जो आबकारी विभाग ने 10 महीने पहले दिल्ली सरकार से पूछा, तो दिल्ली सरकार यह कह के बचाव नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जांच कराएंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आबकारी नीति में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश्य के साथ बात की है। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक्साइज पॉलिसी तो यह कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए, परंतु यहां ये मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही है और रिटेलर भी वही है, और उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो है, इस असत्य के परपेट्रेटर भी वही है। वहीं बीजेपी के नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि शराब नीति को लेकर बनाई गई कमेटी ने कहा कि आप शराब बेचने को लेकर प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन केजरीवाल सरकार ने प्रचार किया, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे प्रचार पर रोक थी कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करी कि अवॉइडिंग ऑफ माल प्रैक्टिस लाइक ब्रांड पुशिंग, कि आप कोई प्रचार नहीं कर सकते कि शराब ज्यादा बिके। अगर आपने छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजिए, पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में प्रचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है, और दिल्ली से बाहर से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे। तो उस चीज का प्रचार ये अकॉर्डिंग टू कमेटी रिपोर्ट ये नहीं कर सकते थे। जो L1 का कमीशन इन्होंने, L1 मतलब है वो होलसेलर, L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। तो कमेटी ने कहा कि जैसे कर्नाटक में होता है कि वहां पे सरकार ही होलसेल का काम करती है, तो यहां पर भी सरकार होलसेल का काम करे ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और सरकार को मुनाफा आए। फिर ये कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि नॉन कंफर्मिंग एरियाज जैसे कि गांव है, जैसे कि कॉलोनीज है, जहां पर कोई कमर्शियल मार्केट नहीं है, जहां पर कोई DDA की कोई MCD की मार्केट नहीं है, वहां पर नहीं खुल सकती दुकानें। मगर इन्होंने जब ऑक्शन किया जोन्स का, तो इन्होंने तो जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में 7 महीने में। तो ये बात को नहीं कह सकते कि हमारी दुकानें कम खुली हैं इसलिए हमारी शराब जो है कम बिकी है, इनकी शराब 1.5 गुना ज्यादा बिकी है। और एक्साइज की ड्यूटी इन्होंने कर दी 1%। अब मैं आपको एक्साइज के ऊपर में भी आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि 19-20 में आपको एक्साइज ड्यूटी 4,200 करोड़ रुपया सरकार को मिली, 2021 में एक्साइज आपको 3,300 करोड़ रुपया मिला, मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड़ रुपया एक्साइज मिला। एक्साइज 158 करोड़ रुपया, यानी कि एक्साइज में भी लॉस है और आपके रेवेन्यू में भी लॉस है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3,500 करोड़ का लॉस हुआ है, ये सरकारी लॉस है, ये आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे। ये तो सारे डाटा होंगे एक्साइज के पास में, एक्साइज
दिल्ली की शराब नीति पर फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की आपसी खींचतान अभी थमने की उम्मीद नहीं है। एक तरफ बीजेपी जहां लगातार आप पर आरोप लगा रही है कि नई शराब नीति में मानकों का उल्लंघन किया गया, तो वहीं आप बीजेपी पर सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आप सांसद संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि शराब नीति पर बीजेपी लगातार ड्रामा कर रही है। दिल्ली से मुस्कान और संजय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।